बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं पेरी पेरी चिकन पास्ता, जिसके लिए हमने पास्ता लिया है। इसको हमने सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया था। ये बॉईल करने से पहले इसका वेट 400 ग्राम था। डबल क्रीम ली है, पेरी पेरी हॉट सॉस चाहिए है, केचप चाहिए है, 1 मीडियम अनियन लिया है, मोसरेला चीज़ ली है, गार्लिक लिया है जिसको हमने ब्रीक चॉप कर लिया है, पेरी पेरी चिकन लिया है, इसकी रेसिपी हम पहले के दे चुके हैं आपको, ऑयल चाहिए है, ओरिगानो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्रश्ड चिली। इसके अंदर पान में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें ये बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और साथ ही इसके हमने वो अपना लहसुन भी डाल देना है। दोनों को बस हल्का सा गोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपके पास ऐसे मैरिनेट किया हुआ चिकन नहीं है ना, हमने मैरिनेट किया हुआ कुक किया हुआ है, तो आप कच्चा फिलेट लेके वो इसको जैसे जिस पॉइंट पे हमने ये चिकन ऐड करना है मैरिनेटेड वाला, वहाँ पे आप कच्चा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक करना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा, जैसे हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून यूज़ करेंगे पेरी पेरी सॉस, लेकिन अगर आपने चिकन बगैर मैरिनेशन के प्लेन ऐड करना है तो 5-6 टेबलस्पून ऐड कर लें, या अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको स्पाइस वगैरह पसंद हो। अब इसको हल्का सा गोल्ड होने तक करेंगे कुक। ये देखिए, बस इतना सा हल्का सा ही गोल्ड किया है उसको। अब इसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे और इसको बस हल्का सा जैसे मिक्स ही करना है, सारी चीज़ें डाल देनी है साथ ही, क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी कुक है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कह लेंगे सारा कुछ फोल्ड ही करना है, पास्ता भी कुक है। अगर आपकी चिकन ऐसे कुक नहीं होगी, कच्ची यूज़ करेंगे, तो आप फिर उसको थोड़ा सा कुक करेंगे गलने तक, या थोड़ा सा पानी भी ऐड कर ले के वो अच्छी तरह से गल जाए। और इसके साथ ही हम ये जो अपने स्पाइसेस हैं ये भी ऐड कर देंगे। इन स्पाइसेस में से अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट या कुछ नहीं पसंद, आप वो स्किप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बदले में कुछ और डाल लें, जैसे ना जो आपको अपने घर में बच्चों को पसंद हो उस हिसाब से कर लें। तो थोड़ा सा कुक करना है, साथ ही फिर हमने अपने ये सॉसेस डाल देने हैं जो भी। अब हम अपने ये जो सॉसेस हैं वो डाल देते हैं, केचप, और ये नान का जो है हमने हॉट लिया है, आप मीडियम ले लें, हॉट ले लें, जो आपको पसंद हो। अगर बिल्कुल नहीं मिलता है तो जैसे हमने ये चिकन को आपके साथ रेसिपी शेयर की है पेरी पेरी वाली, आप ये सॉस स्किप कर दें, वो उसी का मतलब कोट किए वो लेफ़्ट ओवर जैसे होता है, हमारा ये एक पीस लेफ्ट ओवर था कह लें, तो हमने उसको ज़ाया नहीं किया। नेक्स्ट डे ऐसे बच्चों को पास्ता के अंदर मिक्स करके एक नई डिश बना देनी है, तो ऐसे वो यूज़ हो गया है। बस सॉस वगैरह डालते ही, जैसा कि आपको पता है ना, कुक्ड है चिकन, हमने अब वेट नहीं करना, उसको ज़्यादा नहीं मैश होने देना, तो ये हमने अपना बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देना है। पास्ते को अब अपने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बॉईल कर ले, जैसे पैकेट पे होती है 10 मिनट, हल्का सा सॉल्ट और ऑयल डाल दें। हमने इसमें सॉल्ट कम डालना है क्योंकि हमारी चिकन में था, तो आप टेस्ट कर लें इस पॉइंट पे कम डाल के, अगर आपको कोई लगे ज़रूरत है तो और डाल लें, क्योंकि कम का इलाज है, फिर वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा मसला होगा, तो इसलिए बेहतर है कम डाल के आप लोग इसको टेस्ट कर लें। ये देखिए हमारा पास्ता बस सब रेडी ही हो गया है, क्योंकि हमने सिर्फ उसको मिक्स करना था। अब इस पॉइंट पर हम अंदर अपनी ये क्रीम रखी है ये डाल देंगे। अगर आपको कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ आपको नहीं मिले जैसे वो पेरी पेरी सॉस है, तो आप वो जो चिकन की हमने रेसिपी दी है वही यूज़ कर लें,
जो हमने सॉस पैरी वाला ऐड किया है उसकी बजाय ऐसे क्रश्ड चिली और ब्लैक पेपर का जो अंदर डाला है हमने वो बढ़ा दे थोड़ा सा ना क्वांटिटी, तो इंशाल्लाह लेवल हो जाएगा सारा ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो ज़रूर ही ऐड करें, हमारे पास था तो हमने वो भी थोड़ा सा ऐड कर लिया टेस्ट के लिए। क्रीम ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर साथ ही हमने अपने वो जो चीज़ है वो ऐड कर देनी है। चीज़ भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसे पार्मेसन चीज़ डालें तो ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन ये हमने जो यूज़ की है ये हमारे पास मौजूद भी थी और ये इजीली हर जगह पे सबको मिली जाती है, फिर कोई किसी को हर जगह पे वो चीज़ नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं है, आप ये मतलब यूज़ कर ले। हमने जो मोसरेला चीज़ यूज़ की है ये आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा कर लें आप जितने पसंद करते हैं, अच्छा टेस्ट ही आना है इसके साथ ही। बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर हम आपको डिश आउट करके इसको दिखाते हैं ये कितनी जल्दी बन गया है। सारा कुछ तो कुक था, बस मिक्स ही करना था, सिर्फ अनियन को करना ही कर टाइम जो था वो लगा है। तो ऐसे अगर आपके ऐसे कुछ चीज़ ऐसे बच जाती है तो उसके साथ कोई एक और नई डिश इन्वेंट कर सकते हैं आप, कोई नहीं मसला, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डालें, अपने बॉस हैं आप। लीजिए हमारा बहुत ही इजी और क्विक पेरी पेरी पास्ता रेडी है, खुश हो जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं इसकी स्ट्रिंगी सा चीजी सा इतना अच्छा मजे का बना है। आप और ज्यादा ऐड करना, ज्यादा डाल लें, जैसा कि हमने पहले भी बताया हम बहुत चीज खाते हैं इसलिए हम थोड़ी डालते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।